नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। क्या ट्विटर ने भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटने का मन बना लिया है? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि ट्विटर ने ऐसी हरकत की है कि भारत के आईटी मंत्री का ही अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। जी हाँ, और एक घंटे बाद अनलॉक भी किया तो चेतावनी देकर। आखिर ऐसा करके ट्विटर क्या मैसेज देना चाह रहा है, वो भी तब जब भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि ट्विटर समेत कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत में तभी चल पाएगा जब वो भारत के कानूनों के हिसाब से काम करेगा। लेकिन ट्विटर ने बता दिया है कि वो भारत में भारत के कानूनों से नहीं चलेगा। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। बताइए, भारतीय कानूनों को मानने में आनाकानी करने वाले ट्विटर की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने भारत के ही आईटी और कानून मंत्री का ब्लू टिक वाला फुली वेरिफाइड अकाउंट लॉक कर दिया और हवाला भी दिया तो अमेरिकी कानूनों का। ये तो हद ही हो गई। एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देनी पड़ेगी कि ट्विटर भारत के कानून से ऊपर नहीं है। अगर आपको भारत में अपना कारोबार चलाना है तो आपको यहां के कायदे कानून मानने होंगे, उसके अधीन रह के कार्य करना होगा। ट्विटर ने यह हिमाकत आज सुबह की और एक घंटे बाद ही आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का हैंडल अनलॉक कर दिया, जिसके बाद रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर ही इस बहुत ही अजीब घटना के बारे में ट्वीट किया और दो स्क्रीनशॉट भी शेयर किए। एक में ट्विटर द्वारा अकाउंट लॉक करने की सूचना है और दूसरे में अनलॉक करने की जानकारी। भारत के आईटी मंत्री का अकाउंट लॉक करने की वजह ट्विटर ने अमेरिका के कॉपीराइट एक्ट को बताया और रविशंकर प्रसाद को इसके उल्लंघन का दोषी माना। अमेरिका में यह कानून वर्ष 1998 में बना था, जिसका नाम है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। इस कानून का मकसद किसी डिजिटल कंटेंट को चोरी होने से बचाना है और चोरी करने के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद करना है। इस कानून के तहत सभी तरह के डिजिटल प्रोडक्ट जैसे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और कंटेंट आते हैं। हालांकि ट्विटर ने यह नहीं बताया कि भारत के आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद पर किस डिजिटल कंटेंट को कॉपी करने का आरोप है, ये कंटेंट भारतीय था या अमेरिकी, लेकिन उसने ये जरूर बता दिया कि वो भारत में अमेरिकी कानून से ही चलेगा। एक तरफ आप कहते हैं आप यूजर की प्रिवेसी इंफ्रिंज नहीं करना सकते, आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। दूसरी तरफ इस टाइप के जब एक्ट आते हैं, जो अभी हमने रिसेंट देखा, आप कैसे आप किसी अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं कॉपीराइट के साथ में, और जब मैं संगीन जुर्म की बात कर रही हूँ मेरे देश को लेकर, तो तब आप अपने अपने नॉर्म्स अपने अपने टूल्स को चेंज नहीं करना चाहते, आप कोई मैकेनिज्म नहीं बैठाना चाहते अपने सिस्टम में। तो ये जो है ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें दिखती है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मंत्री जी, आप तो आईटी मंत्री हैं, अपने मंत्रालय पे भी कभी कभी ध्यान दे दीजिए। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज क्या आने वाली है आईटी में, किस तरह देश को वापिस आईटी हब बनाया जाए, उसके बारे में भी कभी कभी ब्लूप्रिंट देश के सामने रख दीजिए। आप हमेशा ट्विटर में ही उलझे रहते हैं। करीब एक घंटे बाद ही ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद को चेतावनी देकर उनका अकाउंट दोबारा से अनलॉक कर दिया, लेकिन उससे पहले ही रविशंकर प्रसाद ने देसी मैसेजिंग ऐप कू पर ट्विटर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कानून मंत्री ने लिखा, ट्विटर की कार्रवाई आईटी एक्ट 2021 के नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि ट्विटर ने उनका अकाउंट लॉक करने से पहले कोई सूचना दी नहीं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऐसा लगता है कि ट्विटर की मनमानी और एक तरफा हरकतों को लेकर मैंने जो बयान दिए, खास तौर पर मेरे इंटरव्यू की क्लिप्स को टीवी चैनलों के साथ शेयर करने और उसके जोरदार असर से उन्हें तकलीफ हुई है। उन्होंने कहा कि ट्विटर के इस कदम से संकेत मिलता है कि वो फ्री स्पीच के हिमायती नहीं है, जिसका वो दावा करते हैं, वो सिर्फ अपना एजेंडा चलाने में रुचि रखते हैं। साथ में रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर को एक बार फिर चेतावनी दी कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उन्हें नए आईटी नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा और उस पर कोई समझौता नहीं होगा। इस हरकत के बाद भारत में ट्विटर की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब तो ट्विटर ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो भारत के नहीं अमेरिका के कानून मानता है। रविशंकर प्रसाद
कई दिनों से यही तो कह रहे थे। रविशंकर प्रसाद ने ये साफ कर दिया है कि ट्विटर की मनमानी अब देश में नहीं चलेगी, और कहीं ना कहीं रविशंकर प्रसाद का ये भी मानना है कि क्योंकि सरकार ट्विटर पर दबाव बना रही है कि हिंदुस्तानी जितने भी लॉज हैं उन सभी का पालन ट्विटर को करना पड़ेगा, यही कारण है कि ट्विटर अब रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक करने पर उतर आया है। भारत के कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद से पंगा लेकर ट्विटर ने आग में घी डालने का काम किया है। ट्विटर ने ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि ऐसी ही हरकत की वजह से नाइजीरिया में उसे बैन कर दिया गया है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। एक बार फिर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का जमावड़ा हो रहा है। एक बार फिर किसानों के ट्रैक्टरों का रेला दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचा है। भारतीय किसान यूनियन के हजारों सदस्य गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि सरकार से अब 5T फॉर्मूले से कई ट्रैक्टरों पर लाउड स्पीकर बंधे हैं। कुछ तो मनोरंजन का तकाजा है ताकि गानों का शोर दूर दूर तक जाए, कुछ इस नाते भी कि साथियों तक कोई बात आसानी से पहुंचाई जा सके। इस रेले में सिर्फ ट्रैक्टर ही नहीं है, कारों का भी रेला है। बाइक से भी किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। हजारों की तादाद में किसान इसी तरह मुजफ्फरनगर, मेरठ और आसपास के इलाकों से अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के लिए कूच कर गए। सैकड़ों की तादाद में किसान ट्रैक्टर गाड़ियां लेकर के दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। इतना लंबा काफिला है कि करीब लगभग चार मिनट से ये ट्रैक्टर और गाड़ियों का काफिला ही नजर आ रहा है। नरेश टिकैत अपनी गाड़ी में गए हैं और साथ ही आप देख रहे हैं ये जो तमाम स्कॉर्पियो और जो तमाम ट्रैक्टर्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे भारतीय किसान यूनियन और बाकी की जो तमाम किसान यूनियन है उनके हैं। आठवें महीने में इनका प्रोटेस्ट पहुँच चुका है और उसको देखते हुए तादाद में किसान मेरठ से और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े इलाके से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर के ये किसान रुकेंगे। कभी तो ट्रैक्टरों के इस रेले ने रफ्तार भरी तो कहीं सड़क पर ही बैठकर हुक्का भी गुड़गुड़ाने लगे। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर ये किसान अपने घरों से निकले थे जिनकी मंजिल थी गाजीपुर बॉर्डर, जहाँ 8 महीने से किसानों का धरना चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत दल बल के साथ पहले ही दिल्ली पहुंच गए थे। उन्होंने सरकार के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया। बोले कि 5T को हथियार बनाकर किसान अपनी लड़ाई लड़ेंगे। टैंक, ट्रैक्टर, टिक्का और ट्विटर और फिर टिकैत भी है जी में। भारतीय किसान यूनियन 26 जून को दिल्ली की सीमाओं पर ही नहीं बल्कि तमाम राज्यों के राजभवनों को घेरने की योजना बना चुकी है। सवाल यह है कि 26 तारीख ही क्यों? देखो 26 का करेक्शन क्या है कि 26 जनवरी में यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया यहाँ की भारत सरकार ने, तो ये 26 तारीख हर महीने आती है। 26 तारीख को ही आंदोलन शुरू हुआ, 26 तारीख को ही देश में इमरजेंसी लगी। भारत सरकार को 26 तारीख चैन से नहीं बैठने देगी। जब जब भी देश में 26 तारीख आएगी भारत सरकार को याद आती रहेगी कि 26 तारीख को तुमने पाप किया था। टिकैत ने इस समय को इमरजेंसी करार दिया। बोले कि कांग्रेस ने तो ऐलान करके इमरजेंसी लगाई थी लेकिन ये तो अघोषित इमरजेंसी है। साथ ही सरकार को चेतावनी भी दी कि किसानों के ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता भूलेंगे नहीं। डिक्लेयर करके करा था, अनडिक्लेयर इमरजेंसी है देश में। सारी एजेंसियां कैप्चर कर ली, देश की जितनी भी एजेंसियां हैं वे सब कैप्चर कर ली, कोई बोलने वाला नहीं है। ये ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता ना भूल जाए तो ये ट्रैक्टर को कंटिन्यू दिल्ली में आना चाहिए। गांव के लोग, अलग अलग जिलों के लोग अलग अलग डेट में यहाँ पे आते रहेंगे, लोग वहां के आते रहेंगे, ये अपने झोपड़ी बना काटते रहेंगे।
किसान आंदोलन को करीब 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन सरकार और किसानों के बीच बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। अब भारतीय किसान यूनियन केंद्र पर दबाव बनाने के लिए शनिवार को पूरे देश में शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। मेरठ से उस्मान सिद्दीकी और अभिषेक आनंद के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। कल कोची शिपयार्ड पर सबकी नजर थी, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के डेक पर थे। उन्होंने भारतीय नौसेना के भविष्य की इस सबसे बड़ी उम्मीद का निरीक्षण किया और युद्धपोत की स्टेटस रिपोर्ट ली। जल्दी INS विक्रांत के समुद्री ट्रायल भी शुरू होंगे और अगले साल आजादी के 75 साल पूरे होने पर ये स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल हो सकता है। दुश्मन में सिहरन का नाम है भारतीय नौसेना। समंदर पर पैनी नजर हो या फिर 7,516 किलोमीटर लंबे तट की रक्षा, भारतीय नौसेना लहरों पर राज करती है। और अब इसके तरकश में समंदर का सिकंदर जुड़ने वाला है। नौसेना इसे INS विक्रांत पुकारती है। विक्रांत नाम संस्कृत के शब्द विक्रांत से लिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है साहसी। जिस युद्धपोत के डेक पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, ये आत्मनिर्भर भारत की नई धमक है। इसमें स्वदेशी का दम है। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर होगा। मेड इन इंडिया के तहत तैयार किया जा रहा ये युद्धपोत बेजोड़ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे गेम चेंजर और ब्रह्मास्त्र कहकर पुकारा है। यदि मैं कहूं कि इस प्रकार के जो कैरियर्स बन रहे हैं सचमुच एक ब्रह्मास्त्र के रूप में यह काम करेंगे, तो यह भी कहना एग्जैगरेशन नहीं होगा। इस प्रकार के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में बनेगा, भारत में बनेगा और दुनिया के दूसरे देशों को हम भेजेंगे। INS विक्रांत का निर्माण आखिरी चरण में है। नौसेना का लक्ष्य इसे अगले साल कमीशन करने का है, यानी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना के तरकश में अब एक और अजेय योद्धा शामिल होगा। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ सालों में भारतीय नौसेना दुनिया के टॉप 3 में शामिल हो जाए। और मैं कह सकता हूं कि हमारी नेवी भी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, आज तो हम दुनिया की टॉप 5 नेवल फोर्सेस में हैं, लेकिन वह दिन दूर नहीं है कि हम जल्दी ही कुछ ही वर्षों के अंदर दुनिया की टॉप 3 नेवल फोर्सेस में आकर खड़े होंगे। मेड इन इंडिया के तहत बन रहे INS विक्रांत की ताकत को समझेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि आखिर क्यों इसे हिंद महासागर के लिए गेम चेंजर माना जा रहा। INS विक्रांत एक विशालकाय जहाज है, जहां पर एक लैंडिंग स्ट्रिप है तो 2 टेक ऑफ के लिए रनवे भी यहां पर मौजूद है। जब निर्माण पूरा हो जाएगा तो यहीं इसी डेक एरिया से इस तरफ से 2 विमान टेक ऑफ कर सकते हैं। आपात स्थिति में यह हिंदुस्तान की शक्ति को कितना बढ़ाएगा वो समझिए। विमानवाहक युद्धपोत का वजन लगभग 40,000 मीट्रिक टन है। INS विक्रांत की लंबाई 860 फीट, गहराई 84 फीट और चौड़ाई 302 फीट है। इसका कुल क्षेत्रफल 2.5 एकड़ का है। इसमें ताकतवर टरबाइन लगे हैं, जो इसे 110,000 हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। फाइटर प्लेन की उड़ान के लिए 37,500 टन का रैंप है। इस पर MiG-29 और हल्के लड़ाकू विमान तैनात होंगे। माना जा रहा है कि इसमें 30 फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात होंगे। इसके अलावा 10 कामोव या वेस्टलैंड सी किंग हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जाएंगे। युद्धपोत में 64 बराक मिसाइलें लगी होंगी, जो जमीन से हवा में मार करने में सक्षम हैं। नेवी ने पोत पर लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को इंटीग्रेट करने का काम शुरू कर दिया है। युद्धपोत 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र की लहरों को चीर कर आगे बढ़ सकता है। ये एक बार में 15,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर सकता है, यानी हिंद महासागर में चीन के दबदबे को चुनौती देने में ये पूरी तरह सक्षम है। चाइना की गतिविधियां इंडियन ओशन रीजन में बढ़ती जा रही हैं, उसकी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, और बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान जो है कंप्लीट इंडियन ओशन रीजन को फ्रॉम द हॉर्न ऑफ अफ्रीका टू स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का को सी कंट्रोल और सी डोमिनेशन करे। INS विक्रांत नौसेना को ऐसे वक्त में मिलेगा जब भारत और चीन पिछले 4 दशकों से सबसे गंभीर सीमा विवाद से जूझ रहे हैं। हिंद महासागर हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।